फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल विद शिवी। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और बताइए क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। टाइटल टॉपिक देखकर तो आप समझ गए होंगे। उप्स, शिखा फिर से एक प्रेगनेंसी वीडियो लेकर आ गई टॉपिक। बट क्या करूँ, आप लोगों के सवाल खत्म ही नहीं होते, तो मेरे जवाब देने का तो फर्ज पूरा बनता ही बनता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पहले टॉपिक पे बात करते हैं। उससे पहले मैं बता देती हूँ, मेरा नाम शिखा है, शिखा और शिवी मेरी डॉटर का नाम है, जो कि अभी निन्नी ले रही है। मैं उससे छुप छुप के वीडियो बनाती हूँ, फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते हैं। और बच्चे से छुप के वीडियो बनाना बहुत बड़ा टैलेंट होता है, तो इस टैलेंट के लिए एक लाइक बना दे दीजिए। और जिनको डिसलाइक देना है वो खुशी खुशी डिसलाइक देकर जाइए। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो भी किसी ने क्वेश्चन किया था, मुझे मिलेगा, मुझे याद था माइंड में, अगर मुझे वो उसका स्क्रीनशॉट मिला तो मैं बिल्कुल यहाँ या यहाँ लगाऊंगी। कहाँ लगाती हूँ मुझे याद नहीं रहता, बट मैं लगा देती हूँ स्क्रीनशॉट। तो जैसे कि तो देखिए गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लाइक कर दीजिए, नहीं तो मेरी बिच्छी जो है वो गुस्सा हो जाती है। और देखिए अभी वो उठ कर आ गई, सोकर उठ के आई है और बहुत ही गुस्से में है इस वक्त। आप फेस देख कर समझ गए होंगे कि कितने गुस्से में है मेरी बेटी। तो चलिए, अगर वो गुस्सा इससे पहले की वीडियो पर ना है, मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस और जो मैं आज का टॉपिक है उस पर डिस्कस कर लेती हूँ कि क्या है। टॉपिक ये है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम पे पैरों में सूजन बहुत होती है, दर्द बहुत होता है, भारीपन बहुत लगता है। आपने ये डायलॉग भी सुना होगा, पैर भारी होना एक सिम्टम्स होता है कि प्रेगनेंसी, मतलब पहले के लोग ऐसे टाइम पे कहते थे, फिल्मों में भी सुना होगा। तो ऐसा होता है ऑब्वियसली प्रेगनेंसी टाइम पे। मेरे टाइम पे भी जो है पैर जो है काफी हैवी लगते थे, सूजन बहुत आती थी। और सूजन आने का जो बेसिकली अगर आप देखा जाए, मैं इनको खड़ा कर देती हूँ। और सूजन क्यों आती है मैं पहले आपको ये बता देती हूँ। पानी की कमी से होता है और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, इस वजह से कभी कभी आप एक ही पोजिशन में बैठे हैं या लेटे हैं तो पैरों में सूजन होना बनता है। तो ये बहुत सारे रीजन है और प्रेगनेंसी में ये बहुत कॉमन है सिम्टम की पैरों में सूजन आना। तो उसके लिए घबराइए मत, क्योंकि जब मेरे साथ हो जाता तो मुझे समझ नहीं आता था, इस वजह से रात में नींद भी नहीं आती थी, बहुत बेचैनी होती थी पैरों में सूजन होना। और कभी कभी सूजन इतनी ज्यादा हो जाती थी गर्मियों के टाइम पे कि मतलब प्रॉब्लम ऐसा लगता था कि कहाँ जाओ, पैरों में दर्द होता था। तो उसके लिए बहुत सारे उपाय हैं, जैसे कि मैं करती थी, गुनगुने पानी में हल्का सा नमक डाल के, याद रखिएगा हल्का सा नमक डाल के आप 10-15 मिनट्स के लिए पैरों को डाल के उस पर रखिए, तो वो प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है सोने से पहले इवन, तो आपको प्रॉपर तरीके से नींद भी मिलेगी। और या फिर आप किसी गुनगुने तेल से, आप कह सकते हैं कोकोनट ऑयल, आप जो भी ऑयल यूज करते हैं, मैं सरसों के तेल से मालिश कर लेती थी, सरसों के तेल से आप मालिश कर सकते हैं, उससे आपको रिलैक्स मिलेगा। आप दिन में कम से कम 10-12 ग्लास वाटर पानी पीजिए, क्योंकि पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। पानी की कमी से सूजन होती है और पानी तो प्रेगनेंसी में बहुत जरूरी है, बिना कुछ भी नहीं होता, तो पानी तो आपको पीना ही पीना है। पानी की कमी बिल्कुल मत होने दीजिए, क्योंकि आपके घर में एक नन्ही सी जान है जिसको पानी की बहुत जरूरत है। और इस टाइम पे नमक अगर आप खाने के लिए मैं बोल रही हूँ, तो नमक थोड़ा सा कम कर दीजिए, क्योंकि नमक खाने से भी थोड़ा सा सूजन में असर होता है, असर मीन्स की सूजन ज्यादा आती है। तो ऐसे छोटे छोटे नुस्खे हैं जो मैं आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। जब मुझे प्रॉब्लम होती थी तो मैं यही सब करती थी पैरों में सूजन आने के वजह से, क्योंकि इस टाइम पे ब्लड सर्कुलेशन ऐसे मतलब तरीके से नहीं हो पाता, मीन्स फ्लो में जो है वो इतना ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन होता है कि इस वजह से हमारे पैरों में सूजन होती है। और कभी कभी बॉडी के किसी पार्ट और पार्ट में भी सूजन हो जाती है, हाथ पैर में, मतलब हाथों में भी सूजन हो जाती है, ऐसा नहीं कि पैरों में ही सूजन होती है, हाथ में भी सूजन आ जाती है। तो ऐसे छोटे छोटे नुस्खे, इनके लिए दवा लेने की प्रेगनेंसी में जरूरत नहीं है, इनके लिए घरेलू नुस्खे ही बहुत है। इवन आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो डॉक्टर भी आपको यही राय करेगा कि पानी खूब सारा पियो, आप वार्म वाटर से अपने पैरों पे जो है उसको रात में अपना डाल के रखो 15-20 मिनट के लिए, पैरों को गर्म पानी में, गुनगुने पानी में नमक डाल के, तो डॉक्टर भी आपको यही सलाह देंगे। बाकी अगर कुछ ज्यादा बिग इश्यू हो रहा है तो ऑब्वियसली फिर इसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है कि हम अपने ज्यादा नुस्खे नहीं आजमा सकते इस टाइम पे। तो ये रहा मेरा छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आपके लिए था, मुझसे किसी ने पूछा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों से शेयर करूं। और ये रही मेरी शिवी, जो कि देखिए कितनी अब शैतान मूड में आ रही है धीरे धीरे, पहले गुस्से में थी, अब हल्की सी मुस्कान इनके देखो फेस पे आ गई है। और कह रही है मैं भी बोलूंगी, आजकल इनको कूदने का बहुत शौक होता है, ये देखो बेटा ऐसा करो, करो कह दो आई लव यू ऑल, आई लव यू सो मच,
मेरे लिए तो लाइक किया करो, डिसलाइक मत किया करो। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे, और फिर से मिलते हैं। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। बाय, टेक केयर।